ये हमारा रास्ता है, ये देखो गाइस, अरे निकल जाएगी। माइक्रो मिनी अंडे उसमें डाल दी। गाइस गुड मॉर्निंग, आज का दिन है 4 फरवरी और मैं हो गया हूँ तैयार क्लिनिक के लिए सुबह सुबह। ठंड बहुत ज्यादा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं पीनट बटर सैंडविच अपना गर्म कर रहा हूँ। ये तो मेरी स्वेट शर्ट है, हमारे पास 2 हुडी हो गए यार, ये हुडी है और ये हुडी है, क्या बदतमीजी। आई शुड चेंज इसके नीचे, दिस इज मच बेटर। आज ठंड थोड़ी ज्यादा है इसीलिए बड़े वाली भारी भरकम जैकेट पहन लिया। मैंने पहनी वैसे पर्सनली क्यों है, क्योंकि मम्मी पापा मेरे को मैसेज करते हैं मेरे ब्लॉग देखने के बाद कि मेरे पास और भी तो जैकेट है तो वो पहन लिया। मतलब मैं थोड़ा सा मिनिमल आदमी हूँ, मैं एक जीन्स, एक शर्ट, एक पैंट और ये सब पहन रोज धो के अगले दिन पहन के जीवन निकाल सकता हूँ। मम्मी ने मैसेज कर दिया, ऊपर से थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, तो मैंने कहा कि ठीक है चेंज कर देते हैं। मेरे पास 5 जैकेट जिसमें से मैं 2 पैंट। सैंडविच बन गया, अभी जल जाएगा और वही सर्दियों का फायदा, गर्म चीज़ को आप ऐसे ही उठा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बस वापस रखो। ये हमारा रास्ता है जिससे अपन होके जाते हैं और पेशेंट भी यहीं से जाते हैं सारे, बिकॉज गली बन रही है ये रास्ता। इतनी नीची थी ये, इतनी ऊपर करी है और इससे अभी इसके ऊपर और फीवर बनेगा। ये हमारी एंट्रेंस है। डन विद द क्लीनिंग, गोइंग टू गेट द कार वॉश्ड। कार वॉश कराने के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है भाई, बहुत गंदी होगी गाड़ी। तो यहाँ आइसक्रीम ऑर्डर की गई है इंस्टामार्ट से, इसका प्राइस गेस किया जाए कितना है, 240 रुपये पर 100 ml वैनिला आइसक्रीम। ये डलेगी कॉफ़ी में, इसके अंदर चम्मच भी आती है और 5 से 10 मिनट के बाद खाना है। इसमें इंस्ट्रक्शन भी आता है कि आपको कब खाना है इसको। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है ये, तो इसको अगर आप खोलते हो तो इसके अंदर आइसक्रीम निकलती है जो कि वैनिला आइसक्रीम होने के बावजूद पीले रंग की है थोड़ी सी। आई थिंक ये काउज मिल्क से बनती होगी, इट्स फ्रेंच वैनिला इसीलिए इट्स येलो। गुड इन्फॉर्मेशन। धूप निकल आई है गाइस, और जो कल कपड़े अंदर सूख रहे थे बाहर सुखा दिए गए हैं। धूप में ही लंच भी देख लो, दिस इज उत्तपम मिक्स वेज साथ में सांभर और कोल्ड कॉफी। गाइस तो मैं निकला हूँ एक सीक्रेट मिशन पे, के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। तो बहुत टाइम बाद मैं साउथ दिल्ली जा रहा हूँ और ये रास्ता भी आपको तो याद ही होगा, मुझे तो याद है। इस टाइम पे यूजुअली नहीं निकलता हूँ बट सिंस ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर अप अब तो मैं ज़्यादा निकलूंगा। बट ये जो मिशन है इस मिशन के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। ब्लॉग का टाइटल भी यही होने वाला है, गोइंग टू साउथ दिल्ली ऑन अ सीक्रेट मिशन। तो और लोग देखेंगे ताकि, प्लस मेरे साथ जो इंसान मौजूद है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, सीक्रेट ही हो गया ये सब कुछ। गेस भी मत करना कॉमेंट्स में, गलत ही होगा कि मैंने बता दिया। चिपका देना, घुसा दे अंदर, पहले ही भिड़ी हुई है इसकी। वहीं से भिड़ी हुई है जैसे ही भिड़ाने की कोशिश कर रहा था अभी। मैं स्कॉर्पियो हूँ उसके हिसाब से, उसका मतलब क्या कुछ है क्या? आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू स्कॉर्पियो वाले थिंग, दैट इज द पॉइंट। स्कॉर्पियोज आर द वर्स्ट पीपल। आई नो अदर पीपल, आई नो वर्स्ट पीपल अबाउट यू। वर्गोस कैन बी वर्स ऑल्सो, तो हम सारे सनसाइंस है ना। मैं स्कॉर्पियो हूँ नाम के हिसाब से, वर्गो हूँ और मैं 22 सितंबर हूँ तो मैं लिब्रा भी हूँ क्योंकि मैं कसब भी हूँ। पीपल आर बाइंग थार थोक के भाव पे, ठीक है। एवरी यूट्यूबर हैज अ थार नाउ एंड इट्स वेरी सुपर। आई हेट, आई वुड नेवर बाय दिस कार। लेकिन 80 से ऊपर खड़खड़ करने लगती है हाईवे पे। शहर में आप इसको लेके बस स्टेशन के लिए जा सकते हो, बिल्कुल और बीच में। अंकल और बीच में लगा लो, और बीच में लगाओ, आगे आ जाओ मेरे, आ जाओ। फर्स्ट वर्क प्लेस सफदरजंग। यो मेरे वीर, यो मेरे वीर, सफदरजंग हॉस्पिटल इन द हाउस गाइस। वियर योर हेलमेट फॉर योर ओन सेफ्टी। हेलमेट 2 तरह के होते हैं गाइस, मैं साउथ दिल्ली हेलमेट ही लेने जा रहा हूँ एक्चुअली, और मेरे बाइक भी है जो कि मैं अभी लेके नहीं आ सकता, हेलमेट ज़रूर लेना है मुझे। वेलकम टू गौतम नगर मार्केट गाइस। यो मेरे वीर, Welcome to Gautam Nagar Market. What's up, mere Viro? Viro, aage chala Viro. Bhai, ghusa di. Ghusa di, ghusa di.
बाप रे, इतना इतना मार्जिन लेके कैसे चला रहा है ये? देखो गाइस, यो यो मेरे वीर, ये देखो मेहनत। एक ब्लॉगर की जिंदगी में हमेशा कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि ऐसी ऐसी चीजें कैप्चर कर सके। तो कैप्चर हो गई। आपने देखा अपने लापरवाही का नतीजा, चढ़ाया कैसे इसने, ये नहीं समझ आया मुझे। अब आपको परी और परे दिखाई देंगे, सारे मेडिकल स्टूडेंट्स आर गॉड्स एंड गॉडेसेस, दैट्स व्हाई। गलत दिमाग जिसने चलाया। पहले मैं इतना घबराता था यहाँ पे आके ना, इस गली में, कि तो निकलेगी कैसे, जाएगी कैसे, अभी किधर भी ले जाओ घुसा देंगे, निकाल देंगे, डाल देंगे। आ जाओ यो यो मेरे वीर, आ जाओ भाई। अब पहले उसको गाली देगा, फिर आगे आएगा। आ जाओ इस साइड निकाल लो मेरे वीर। आंटी जी रस्ते में ही गिनती करने लग गए, ठीक है, इट्स फाइन। इनसेंसिटिव है बड़ा नवीन यादव। क्या नवीन यादव इनसेंसिटिव है? मैं इतना फेमस हुआ नहीं हूँ कि मेरे बारे में रूमर्स छाप सके। मेरी जिंदगी का सिर्फ 10 मिनट आप देख के मेरे 24 घंटे को आप जज नहीं कर सकते। That's actually a thing with vloggers. यार मैं कब निकालूंगा फिर? जल्दी आ। See what this idiot did? अरे नैनो नूनो छोड़ो, इनको मतलब ही नहीं है, इनकी गाड़ी ठुके भिड़े कुछ भी हो। अंकल जी चलो शाबाश, लेफ्ट में देखो। यो यो मेरे वीर अब मैं लेफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। हो जाएगी थोड़ी सी और। हो जाएगी, मैं सामने वाले से बात कर रहा था एक्चुअली। आओ आप भी आ जाओ। तीनों स्विफ्ट डिजायर हैं। इतना डिजायर हो गया इनका निकलने का कि इनसे रहा नहीं गया। यो मेरे वीर, गलियां पतली होती जा रही हैं, देखा आपने? लगा दे बीच में, लगा दे। तो जाओ, इधर जाना है? इधर तो नहीं जाने दूंगा। एम्स का नया सर्जरी ब्लॉक, गाइस कैन यू सी इट? आई होप यू कैन सी इट। अरे निकल जाएगी, देखो भाई दूल्हे को रगड़ा देंगे। यो यो मेरे वीर, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ बजाओ साइड हो जाओ बरातियों। सो मैं रूम तो दिखा नहीं सकता, बट दिस इज द काइंड ऑफ प्लेस यू गेट अगर आप टेरेस में रहते हैं। तो पीछे जो है, पीछे एक कमरा है, There's a छत also, not do anything because छत पे तो मोटर है, मतलब टंकी है। This is the कमरा, कमरा एक ही है बस, इसमें कुछ नहीं है, मतलब this is it has everything, it has the fridge, it has geyser, it has covid sanitization का सब कुछ, and double bed also, and you get this entire छत to yourself. I'm on my way back from Gautam Nagar and I'll reach home in exactly 40 minutes. 40 minutes is my target. Right now it is 8:36, 8:26. Yeah, South Delhi wala area hai na yaar ye. This is really nice. It's amazing. I mean so good that I want to move back here. Why would someone not want to be living here? And there are so many things to spend money on, otherwise there are so less things to spend money on. Ab samajh rahe ho matlab? By the way, meri gaadi ka ghar aa gaya hai, Hyundai Concept Hyundai. I miss this place a lot. Matlab main typical South Delhi bande ki tarah baat kar raha hu ki agar aisa hai to I'm sorry guys, not North Delhi guy, I am a South Delhi guy. जाम लगा हुआ है आउटर रिंग रोड पे, तो जो लोग आउटर रिंग रोड से आ रहे थे आज रात को, वो ना आए आज। पर ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आउटर रिंग रोड से सफ़र कर रहे हैं, और वो ना आना बस आउटर रिंग रोड से। वो सॉरी, ये आउटर रिंग रोड नहीं है गाइस, ये इनर रिंग रोड है। अब वो इनर ही होती है ना, अंदर वाली जो एम्स की तरफ से और इस साइड जाती है शालीमार बाग की तरफ, तो ये वो वाली रोड है। बैक होम गाइज, एंड आई एम गोना यूज दी चुटकू एग्स। These are not really chutku actually, but yeah, I'm gonna make myself some delicious bhurji paneer combination. Anda paneer bhurji. ऐसे unique dinner ideas के लिए मेरे को follow करो, अभी मैं इसको बनाता हूँ। ये तो बस मैं प्याज सॉटे कर रहा हूँ। ये प्याज सॉटे हो रही है, बोलते सॉटे, देख रहे हो, सॉटे हो रही है, देखो कूदी ना प्याज, ऐसा कूदा हो गया तो सॉटे हो गया, पनीर डाल दिया, और ये पनीर डल गया। कैमरा एंगल के लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे, मुआफ़ी, और ये पनीर डाल दिया। दिस इज़ द मोस्ट इलॉजिकल कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस यू
फाइंड ऑन द इंटरनेट। अब इसको हम धीमे आँच पे पकाएंगे। कैसे पकाएंगे? धीमे आँच पर, देख रहे हैं आप, धीमे आँच। इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ऐसा नमक की लाल मिर्च, जिसका मैं फीडबैक देना चाहता हूँ, इट्स नॉट दैट स्पाइसी। हल्दी डाल दे रहे हैं। इसमें हम अंडे तोड़ेंगे, पहले इसको सौते करेंगे अच्छे से। यूजुअली तो तड़के के साथ किया जाता है, पर हम पता नहीं, ये नया रेसिपी है गाइस, इससे स्वाद अच्छा आता है, आप देखिएगा। मैं सीधा कर देता हूँ, कुछ लोग इसको देख के ओसीडी ट्रिगर कर रहे होंगे। देखिएगा इसको, हाँ ऐसा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है अभी से, तो तुमको क्या नहीं। सौठे कर रहे हैं हम इसको, सौठे। देखो अभी थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ताकि थोड़ा पक जाए। और नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमने अपने माइक्रो मिनी अंडे इसमें डाल दिए। अब इसको फिर से हम ऐसा गोल गोल अंडे पंचर करके फिर ऐसे इसको गोल 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 घुमाएंगे। अब तापमान बढ़ा देंगे इसका, धीमी आंच से अब तेज आंच पे कर देंगे। ऐसा गोल 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 करके बन गया हमारा पनीर अंडा भुर्जी। इससे ज़्यादा क्या करेंगे यार, कूल नहीं है ये, और जल्दी भी पक गया है काफ़ी तेज़ी से, और ये गारंटीड टेस्टी भी होगा यार। अभी तुम देखो, तीन अंडे थे, चुटकू चुटके एग्स, मिनी एग्स मैंने यूज़ किए हैं इसके लिए। इसमें और कुछ नहीं डालेंगे हम, ये हमारा रेडी है माल मसाला। लोगों ये हो गया तैयार हमारा डिनर। और एक गुड न्यूज़ है मेरे पास, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो अच्छी ही होती है। गुड न्यूज़ ये है कि जिम खुल गए, मंडे से जिम जा सकते हैं। दिल्ली में सारी चीज़ें खुल गई, मज़े आ गए, स्कूल्स भी खोल दिए। अभी हाइब्रिड क्लासेस चलेंगी, उसके बाद पूरा हो जाएगा। ऑफिस में 100% अलाउंस दे दिया कि मतलब 100% कैपेसिटी पे आप रन कर सकते हो। और स्कूल्स में मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अभी दोनों चलेंगी, फिर उसके बाद डायरेक्टली ऑफलाइन पे शिफ्ट कर देंगे। और मूवी थिएटर्स खुल गए और जिम्स खुल गए, मतलब बेसिकली दिल्ली दोबारा से ओपन हो गई है और सारी दुकानें वगैरह मॉल्स वगैरह सब खुल जाएंगे। तो मंडे से जिम जाना स्टार्ट करेंगे। आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनी डे, लाइक न्यू ईयर जब से स्टार्ट हुआ है तब से मैंने रेगुलरली डेली वर्कआउट किया, एंड दैट विल पे ऑफ। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने 2 महीना पहले जिम कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब लॉकडाउन लग गया ना कर्फ्यू वगैरह की वजह से, तो थर्ड वेव की वजह से जिम बंद हो गए थे। तो जिम बंद होने की वजह से मेरे को ये लगा कि यार मेरा 2 महीने का प्रोग्रेस गड़बड़ हो जाएगा, बट नहीं होने दिया है मैंने वो। मैंने डेली जिम किया है घर पे जितना हो सका, लेग्स भी की, शोल्डर भी किया, बैक भी किया, चेस्ट भी किया, और बाइसेप ट्राइसेप्स भी किया। और मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी विद माईसेल्फ। लाइक जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया घर पे, और वो सिर्फ एक बारबेल यूज़ करके, सिर्फ ये बारबेल यूज़ करके मैंने सारा वर्कआउट किया, सारा वर्कआउट। कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव दैट। बस इच्छा होनी चाहिए काम करने की, कोई भी मिनिमम रिसोर्सेज में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ इस व्लॉग का कहते खत्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। मास्क जरूर पहनते रहो, क्योंकि और वेव्स नहीं चाहिए, सिर्फ अब खुशी की लहरें आनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट, पीस।